हूँ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर उसके 11 पद तक, यूहन्ना 8:1-11। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुई पकड़ी गई है। व्यवस्था में अनुसार ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे, और तो तू इस स्त्री के विषय में क्या करता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और तेरे पाप न करना। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उसको समझना। जो वचन आज हमने पढ़ा, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और पहले पद से लेकर 11वें पद तक हमने पढ़ा, वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु ने लोगों को प्रचार किया। जब प्रचार समाप्त हुआ तो कुछ शास्त्री लोग आए वहाँ पर, कुछ फरीसी लोग वहाँ पर आए। शास्त्री मतलब वचन को जानने वाले और लोगों को वचन सिखाने वाले लोग, फरीसी मतलब वो भी बाइबल के जानकार, और ऐसे लोग आए और ऐसे लोगों ने आकर एक बात बताई कि ये जो स्त्री है, क्योंकि वो लोग एक स्त्री को पकड़ कर लेकर आए थे, बोले जो स्त्री है ये व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। तो बोले, तू ऐसी स्त्री के बारे में क्या कहता है? क्योंकि मूसा ने तो ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर मार देनी चाहिए, तो तू क्या कहता है? और प्रभु यीशु को परखने के कारण से ये लोग आए थे, प्रभु यीशु समझ गए कि क्या कहना चाहते। प्रभु यीशु तुरंत जमीन पर झुक गए और झुक कर नीचे मिट्टी के ऊपर वो उंगली से कुछ लिखने लगे। क्या लिखने लगे वो वहाँ पर बात स्पष्ट नहीं लिखी, लेकिन जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि प्रभु यीशु ने क्या लिखा था। अभी वो लोग पूछने लगे फिर से कि यीशु, स्त्री को हम क्या करें? मूसा ने ऐसा कहा था, इसको पत्थर मारकर मार दिया जाए, इसको पत्थर मारकर मार दिया, तू क्या बोलता है, तू क्या बोलता है? प्रभु यीशु जैसे सुन नहीं रहे, वो तो जमीन पर झुक गए, लिख रहे। जब उन्होंने वो लोग पूछते ही रहे, फिर बीच में कुछ गैप डालकर प्रभु यीशु जो है वो खड़े हुए और हम पढ़ते हैं जो वचन पढ़ा था उसका 6 पद पढ़ो। तो उन्होंने उसको पैर परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो झुक कर उंगली से जमीन के ऊपर कुछ लिखने लगे। फिर 7वां पद पढ़ो। तो जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ, जब वे लोग पूछते ही रहे मतलब इनका पूछना चालू है, प्रभु यीशु का लिखना भी चालू है। ये पूछ रहे क्या करना चाहिए, मूसा ने ऐसा कहा, तू क्या कहता है। ये लोग लगातार पूछ रहे, प्रभु यीशु लगातार लिख रहे। उन्होंने पूछते रहे, फिर तो सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हाँ, फिर प्रभु यीशु जो है
जो भी लिखते थे उसमें उन्होंने गैप डाला, और गैप डालने के बाद वो खड़े हो गए, और वहाँ पर जो खड़े थे जो पूछ रहे थे उनको इतना बोला कि आप में से जो निष्पाप हो, मतलब कि जिन्होंने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे, जिन्होंने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे। फिर प्रभु से जो है वो वापस लिखने लगे। आगे पढ़ो तो उस काठवा पद, और फिर झुककर भूमि पर उंगली पर लिखने लगा। क्या लिखा है? और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हाँ, और फिर प्रभु से झुककर उंगली से लिखने लगे। पहले लिख रहे थे, फिर बीच में गैप डाला, ये लोग पूछते रहे फिर भी लिखते रहे, फिर गैप डालकर खड़े हुए। खड़े होकर इनको इतना बताया कि आप में से जो निष्पाप होना वो इसके ऊपर पत्थर मारे। फिर वापस झुक गए, और वापस झुकने के बाद वापस लिखने लगे। वापस उनका लिखने का जो काम था वो उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर नवा पद पढ़ दो। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक, लेकिन वो ये सुनकर, मतलब प्रभु ने जो कहा कि आप में जो निष्पाप हो, मतलब जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर मारे, ऐसा सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। अभी देखो प्रभु ने तो एक ही बार बोल दिया कि जिसने पाप ना किया हो, मतलब जो निष्पाप हो वो पत्थर मारे, एक ही बार बोल दिया सभी के लिए। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक, अभी छोटे का मतलब छोटा बच्चा नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ो तो ऐसा लिखा है शास्त्री और फरीसी आए, ये शास्त्री और फरीसी लोग थे, उनमें जो छोटा था और उनमें जो सबसे बड़ा था, मतलब हो सकता है 22-25 से लेकर 70-80-100 साल जो भी हो वो सभी लोग, बड़ों से लेकर छोटे तक बारी बारी से निकले, एक एक करके निकले। प्रभु से सभी को साथ में बोल दिया था, लेकिन फिर भी ये सभी लोग जो है वो एक एक कर निकले। अब यहाँ पर एक सवाल तो ये होता है, ये सभी लोग साथ में क्यों नहीं निकले? जब प्रभु से उनको बोला कि आप में से जिन्होंने पाप ना किया हो, निष्पाप हो, वो पत्थर मारे, तो सुनकर सभी लोग एक साथ में क्यों नहीं निकले? लेकिन बड़े से लेकर छोटे तक बारी बारी से एक एक कर वो लोग क्यों निकले, साथ में क्यों नहीं निकले? प्रभु उसने सभी को एक एक कर तो नहीं बोला था कि देखो पाप ना हो तो मारो, पाप ना हो तो मारो, सभी से बारी बारी से तो नहीं कहा था। अगर ऐसा होता तो अभी हम समझ सकते हैं कि सभी लोग बारी बारी से निकलते, लेकिन सभी लोग साथ में नहीं निकले, लेकिन बारी बारी से निकले, जबकि प्रभु उसने एक ही बार में बोल दिया था। अब इस वचन को पूर्ण रीति से समझना, प्रभु उसने उपदेश किया था, प्रभु यीशु मसीह है, बचाने वाले हैं, और उनका काम ही बचाने का था, और प्रभु यीशु इस धरती पर थे, और तब एक बार प्रचार कर अभी तो हटे ही थे, लोगों ने प्रचार सुना ही था, इतने में शास्त्री और फरीसी लोग, ये सभी प्रभु यीशु के विरोधी लोग, वो लोग आए और उन्होंने आकर ऐसा कहा, एक स्त्री को लेकर आकर ऐसा कहा कि ये जो स्त्री है वो व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। और हम पढ़ते हैं जो वचन पढ़ा है उसका तीसरा पद, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके उससे कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और उसको बीच में खड़ा करके उससे कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है, इसका मतलब ये स्त्री तब पकड़ी गई जब व्यभिचार चल रहा था, उस वक्त ये स्त्री पकड़ी गई, तो साथ में पुरुष होना चाहिए, पुरुष कहाँ गायब हो गया? ये लोग साथ में पुरुष को क्यों लेकर नहीं आए? ये स्त्री तो व्यभिचार करते ही पकड़ी गई थी, इसका मतलब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि रंगे हाथ, तो फिर
इन लोगों ने पुरुष को देखा है, पुरुष वहीं पर है, लेकिन ये लोग पुरुष को लेकर नहीं आए। अब हम ये नहीं सोच सकते कि पुरुष भाग गया, ऐसी परिस्थिति में भागना नामुमकिन सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है वो भाग चुका है, लेकिन ये लोग जानबूझकर पुरुष को नहीं लेकर ये लोग आए। और आकर अब प्रभु से ऐसा कह रहे कि ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है, और मूसा ने ऐसा कहा है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थर मार मार कर मार देना चाहिए, ऐसा लिखा भी था। तो तू क्या कहता है? अभी प्रभु से लोग पूछ रहे कि क्या करना चाहिए। तो ये सभी लोग तो तय कर कर आए थे, क्योंकि बाइबल में आगे हमने पढ़ा तो ऐसा लिखा है, बड़े से लेकर छोटे तक पत्थर फेंक कर एक एक वहां से निकल गया। तो ये लोग तो तय कर कर ही आए थे कि किसी भी तरह से इसको तो मारना ही है, लेकिन साथ में यीशु को भी फंसाना चाहते थे। इनको ऐसा यीशु बचाने का प्रयत्न करेंगे तो हम बोलेंगे तू तो मूसा के खिलाफ हमको भड़काता है, मूसा की व्यवस्था के खिलाफ हमको सिखाता है। तो दोनों काम इनके हो जाएंगे ये सोचकर। और ऐसे लोग आए थे जो उस जमाने के बड़े लोग, शास्त्री और फरीसी लोग। लेकिन जैसे इन्होंने पूछा, प्रभु सुनो मालूम ने क्या सोच लिया, और जो कुछ सोचा उस सोच कर तुरंत नीचे झुककर उंगली से मिट्टी में लिखने लगे। अभी देखो पेन का डॉट बहुत छोटा आता है, हम छोटे पॉइंट वाले अक्षर में लिख सकते हैं, लेकिन उंगली का पॉइंट छोटा दें तक तो उसमें बड़े अक्षर से लिखा जाता है। अभी प्रभु सुने जमीन के ऊपर बड़े बड़े अक्षर से लिखना शुरू किया। क्या लिखा? बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर हमें पूरा बताने वाले कि प्रभु सुने क्या लिखा था। प्रभु सु लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए। ये लोग पूछ रहे, सातवें पद में लिखा है, ये लोग पूछते रहे क्या करे क्या करे क्या करे, मूसा ने ऐसा कहा तू क्या कहता है, मूसा ने ऐसा कहा तू क्या कहता है। लेकिन प्रभु यीशु जो भी लिखते थे वो लिखते गए लिखते गए लिखते गए। फिर उन्होंने बीच में गैप डाला और फिर वापस खड़े हो गए, और वापस खड़े होने के बाद उन्होंने ऐसा कहा, आप में से जो निष्पाप हो, मतलब जिसने कभी भी पाप ना किया हो, वो पत्थर मारे। प्रभु उसने मना नहीं किया मत मारो, मूसा ने नहीं लिखा ऐसा भी नहीं बोला, लेकिन बोला आप पत्थर मार सकते थे, लेकिन अगर साथ में आपने भी पाप ना किया हो तो। किसको कह रहे? शास्त्री लोग, फरीसी लोग, ऐसे लोगों को प्रभु से कह रहे जो चर्च के अगुवे बनकर बैठे, ऐसे लोगों को प्रभु से कह रहे आप में पाप ना हो, आपने कभी पाप ना किया हो, मार सकते हो मारो। फिर बाइबल में ऐसा लिखा है, फिर प्रभु सु झुक गए, फिर प्रभु सु मिट्टी के ऊपर उंगली से लिखने लगे। और वहां ये सुनकर ऐसा लिखा है, ये सुनकर छोटे से लेकर बड़े तक बारी बारी से निकल गए। ये बारी बारी से क्यों निकले? अभी परमेश्वर का आत्मा जो बता रहे, मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि प्रभु यीशु जो है वो पहले से जो काम कर रहे थे वो काम ये था। उन्होंने ये किया कि 10 हुक्म जो मूसा ने दिए थे वो उन्होंने सबसे पहले लिखना शुरू किया, मेरे सिवा तेरा और कोई परमेश्वर ना हो। दूसरा हुक्म, मूर्ति पूजा मत करो। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो। इस तरह से प्रभु यीशु एक के बाद एक के बाद एक के बाद आज्ञा लिखते गए, उंगली से लिख रहे, छोटी जगह में नहीं लिख रहे, बड़ी जगह में लिख रहे, झुककर लिख रहे, सभी लोग देख रहे हैं आज्ञा लिखकर क्या कर रहा है, आज्ञा लिखकर क्या कर रहा है। लेकिन एक बार जब तक 10 आज्ञा खत्म नहीं हुई, प्रभु यीशु कुछ नहीं बोले। जैसे ही 10 आज्ञा खत्म हो गई, गैप डाला, अभी भी कुछ लिखना बाकी था, फिर खड़े हो गए, बोले। और तब तक ये लोग पूछते रहे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। और फिर प्रभु यीशु खड़े हुए और ऐसा कहा, आप में से जो निष्पाप हो वो पत्थर मार सकता है, आप में से जो निष्पाप हो वो पत्थर मार सकता है।
अभी ऐसा लिखा है, ये लोग बारी बारी से निकले, एक एक कर कर निकले। इसका मतलब प्रभु यीशु की बात सुनकर तुरंत नहीं भागे कि हाँ हमारे अंदर तो पाप है, चलो भागो यहां से। लेकिन प्रभु यीशु फिर झुक गए, फिर लिखने लगे। अभी क्या हुआ होगा कि समझो कि वहां पर सिमोन नाम का कोई व्यक्ति होगा, शास्त्री या फरीसी, और उसने भी समझो कि प्रभु यीशु के सिवा, मतलब परमेश्वर के सिवा किसी और को भी परमेश्वर माना होगा। और प्रभु उसने पहले ही आज्ञा के सामने उसका नाम लिखे सिमोन। उसने जैसे देखा कि मेरा नाम है, पत्थर फेंको, निकलो यहां से, लोगों को पता चला कि मैं ये हूं, निकला। फिर दूसरा नाम, फिर तीसरा नाम, फिर चौथा नाम। वहां पर जितने भी खड़े थे प्रभु यीशु को एक एक का नाम मालूम था। सभी लोगों ने कौन कौन से हुक्म को नहीं माना है वो भी उनको मालूम था। एक एक हुक्म के सामने उनका नाम लिखने लगे, ये हुक्म इससे नहीं माना, ये हुक्म इससे नहीं माना, ये हुक्म इससे नहीं माना। जैसे जैसे लोगों के नाम आते गए, वो लोग पत्थर फेंक फेंक कर वहां से भागने लगे, कोई भी वहां पर नहीं रुका। फिर लिखा है खत्म करने के बाद प्रभु खड़े हुए, जो आखिरी था वो भी चला गया होगा। प्रभु सुन दे, हाँ कहाँ गए सब गायब। उस स्त्री को पूछा, बस उसे किसी ने दोषी नहीं ठहरा। स्त्री चाहे दोषी है, चाहे व्यभिचार करते पकड़ी गई है, चाहे जो भी है, लेकिन वो बोलती नहीं। अब ये स्त्री ऐसा क्यों बोल रही है कि किसी ने मुझे दोषी नहीं ठहरा। सभी लोग दोषी तो ठहरा चुके थे उसको, लेकिन स्त्री मना कर रही है। मना तो इसलिए कर रही है कि कोई दंड नहीं दे पाया। सभी लोग चले गए। प्रभु से बोलते, कोई बात नहीं, मैं भी तुझे दंड नहीं देता जा, क्योंकि प्रभु से वो है, उन्होंने तो सारी आज्ञाओं को माना है। वो अभी भी स्त्री को पत्थर मार मार कर मार सकते, लेकिन प्रभु से उसको छोड़ दिया। प्रभु बोले, मैं भी तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब से तू कभी भी पाप मत करना। अभी देखना, यहाँ पर हमें तीन तरह के लोग दिखाई देते। एक तो सबसे पहले प्रभु यीशु। प्रभु यीशु वैसे है तो परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर बनकर इस धरती पर नहीं आए थे, वो परमेश्वर का एक दास बनकर आए थे। उन्होंने आकर सेवा की, बोले प्रभु यीशु ने ऐसा कहा मरकुस 10 और 45 में, पढ़ो तो मरकुस 10 और 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए नहीं आया कि मैं लोगों से अपनी सेवा करवाऊं, मैं तो इसलिए आया कि सेवा करूं। दास बन कर आए थे, तो सेवक बन कर आए थे। फिलिपी 2 में भी लिखा है 5, 6, 7, 8 कि वो सेवक बन कर आए हमारे बीच में, अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, और प्रभु यीशु जो है वो हमारे बीच में वो आए। तो सबसे पहले यहाँ तीन तरह के लोग, उसमें से एक तो है परमेश्वर का एक बेहतरीन दास। दूसरा यहाँ पर है वो है व्यभिचारी स्त्री, पापी स्त्री। ये पापी स्त्री क्यों? क्योंकि रंगे हाथ ये पकड़े गए थे। इन लोगों ने आकर ऐसा कहा, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है, तो पुरुष कहाँ है? अगर इन लोगों ने इसको व्यभिचार करते हुए देखा है, तो साथ में इन लोगों ने उस पुरुष को पक्का देखा है। पुरुष कहाँ है? ये लोग उस पुरुष को क्यों नहीं लेकर आए? हो सकता है वो पुरुष उस जमाने का याजक हो। हाँ, ऐसा हो सकता था, ये भी तो शास्त्री फरीसी लोग हैं, ये सभी में तो पाप था। आदर्श हुक्म में तो है ना, जब विचारो मत करो, उसके सामने भी प्रभु ने कई लोगों के नाम लिखे होंगे। सभी लोग ने अपना नाम देख देख कर वहाँ से भाग गए। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु मेरा नाम यहाँ पर क्यों लिखा है, किसी ने विरोध नहीं किया। इसका मतलब सभी ने अपना पाप मान लिया था, सभी वहाँ से भाग गए। वरना ये तो बोल सकते थे, नहीं हमने तो कोई पाप नहीं किया। इसका मतलब सभी ने कबूल किया
मुंह से नहीं, लेकिन हृदय से, वहां से चुपके से भाग निकले बारी बारी से। दूसरे दिन एक दूसरे को मिले तो भी कैसे बताए, वो तेरा कौन सा पाप बताएगा, कैसे बताए, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। तो एली जो महायाजक थे, उसके दो बेटे भी याजक थे, वो भी तो स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे। तो ये मत समझो कि याजक मतलब नहीं करता, हो सकता है स्त्री के साथ जो भी व्यभिचार करते हुए था इंसान, हो सकता है वो कोई याजक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्हीं में से हो, शास्त्री या फरीसी में से, हो सकता है वो भी इसी भीड़ में इनके साथ वो भी तो आया हो, या तो कोई अगुए में से एक। लेकिन एक बात समझ लेना, ये इंसान, ये पुरुष आम पुरुष नहीं था। आम पुरुष होता तो ये लोग उसको भी पकड़ कर लेकर आते, दोनों को मार दो। ये आम नहीं था, हो सकता है याजक हो सकता है शास्त्री हो सकता है फरीसी हो, या तो हो सकता है चर्च का कोई अगुआ प्रधान था। इसीलिए इन लोगों ने इसको छोड़ दिया था। आम होता तो ये लोग उसको भी पकड़ कर लेकर आते। तो एक तो यहाँ पर प्रभु यीशु परमेश्वर के दास, दूसरे एक पापी स्त्री, सभी लोग पापी थे, लेकिन ये स्त्री क्यों पकड़ी गई थी सबूत के साथ, इसलिए ये स्त्री। और तीसरे लोग जो थे वो थे एक बड़ी भीड़। लेकिन जो भीड़ थी, ये भीड़ के लोग कैसे थे, और ये भीड़ के लोग उस जमाने में प्रभु के सामने जो आए वो कैसे थे, सभी पापी थे, सभी चर्च के अगुए थे, सभी शास्त्री और फरीसी, लेकिन कभी भी पकड़े नहीं गए थे। या तो पकड़े गए होंगे तो पैसे देकर ये छूट गए होंगे, या तो धमका कर सामने वाले का मुंह बंद कर दिया होगा, जो भी है। लेकिन तीसरे लोग ऐसे हैं, भीड़ वाले लोग, कि जिनके अंदर पाप तो था लेकिन अभी तक किसी के पास उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन साथ में वहाँ परमेश्वर का दास है, उनको तो सब पता चलता है। जो परमेश्वर का दास होता है उसको तो सभी कुछ पता चल जाता है। ये सभी लोग चर्च के अगुवे थे, ये सभी लोग लोगों में एक अपनी इज्जत जो है वो इज्जत धराने वाले, अच्छा पद धराने वाले ऐसे लोग थे। और फिर भी ये लोग जो थे बड़े डेंजरस थे, ये लोग बड़े भयानक से थे। पाप था खुद के अंदर, विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी दूसरे पापी को इस तरह से देखते, खत्म कर दो इसको, खत्म कर दो, वही काम खुद कर रहे, छुप छुप के कर रहे, पैसों के बल पर कर रहे, पकड़े नहीं गए अभी तक, लोगों को डरा कर रखते, धमका कर रखते। लेकिन अगर किसी में इतना देखा, हल्ला मचा देंगे, परमेश्वर के दास के पास भागेंगे, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। प्रभु उसने सामने डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन प्रभु उसने लिख कर बोला, तू भी तो ऐसा है, चल निकल यहां से, सबके सामने अब तेरी भी पोल खोल दो, इससे पहले भाग यहां से। परमेश्वर का दास जो है वो सब कुछ जानता है। आज भी ऐसे लोग, ये भीड़ के जैसे लोग आज भी इस धरती पर जो है वो जीवन जी रहे, आज भी ऐसे लोग है। और बहुत ध्यान समझना क्या करते हैं ऐसे लोग, इसने कानों में पहना है, परमेश्वर ने तो मना किया है, तेरी पत्नी क्या करती है देखा, लाल लाल होठ कर कर निकलती, वो नहीं दिखता तुझे, वो कानों में पहनती वो नहीं दिखता, वो हाथों में पहनती वो नहीं दिखता, यहां से फटा हुआ पहनती वो नहीं दिखता, लेकिन ये सब दिखता है। और मालूम उसकी लड़की भाग गई तो उसके लिए पेट्रोल खर्च कर कर क्यों आता है, क्यों मोबाइल का बिल बर्बाद करता है, तूने ये काम नहीं किया था,
तेरे जीवन में ऐसी घटना नहीं बनी थी? हाँ, तेरे जीवन में ना बनी हो, तू दूसरे धोया हुआ है तो आकर बता, लेकिन तू तो सामने से। हाँ, ये भीड़ वाले बहुत डेंजरस, ये सामने वाले का जीवन बर्बाद कर देते। अरे अगर किसी से गलती हो गई तो उसे समझाओ, लोगों के पास जाकर उसकी बात मत फैलाओ, उसको बचाने का प्रयत्न करो, खुद बचो। लेकिन है नहीं, मैं शास्त्री, मैं फरीसी, मैं बाइबल जानता हूँ, मैं ये, मैं वो, थोड़ी थोड़ी बात किसी के भी जान ले, तुरंत फोन, चलो घर पर चलते, चलो ये बात करते। अरे बात का कोई फायदा है क्या? कुछ फायदा ऐसी बातों का जो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाई साहब ऐसी भीड़ वाला जब बात करता है तब तो ऐसे बात, अरे इतना पुराना, इसको कुछ पता नहीं चलता है। अरे ये वचन तो समझ में आना चाहिए ना उसको, खुद बरसों से परमेश्वर में चल रहा है, परमेश्वर के नाम से चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने जो काम दिया बरसों से नहीं किया, बरसों से परमेश्वर ने जो काम बताया उसके ऊपर चला ही नहीं। लेकिन दूसरे किसी, बस डाली भाई वो देखो वो कितना पुराना है, नहीं पता चलता उसको। अरे तू भी तो बरसों से आया, तुझे पता चलता है परमेश्वर ने तुझे कौन सा काम दिया, तू कौन सा काम करता है? और मेरा तो दावा है तू कल भी नहीं करने पाने वाला, तेरे से कल भी नहीं होने वाला। इंसान जो है ये भीड़ वाले, ये बहुत ही डेंजरस जो है, ऐसे लोग ये होते बहुत ही डेंजरस। इनको लोगों की बातें दिखाई देती है, लेकिन इनको खुद की बातें जो है वो खुद की बातें उनको नहीं दिखाई देती। एक भाई साहब तो पूरा वचन सुनेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, मानेंगे भी, हाँ सही, लेकिन घर पर जाकर कैसे मानेंगे मालूम है? जैसे खुद को पसंद है वैसे, जैसे खुद को मनवाना है वैसे मानेंगे। बाइबल चाहे जो भी कहता हो, परमेश्वर के दास ने चाहे जो भी सिखाया, फिर दूसरों को बातें करेंगे, नहीं यार उसने तो ये वचन को ऐसे बताया था, ये वाला पास्टर तो ऐसा कहता है, वो वाला सेवक तो ऐसा कहता है, नहीं तो सबकी सुनो। और करता है वो कि जो उसको पसंद आता है, चाहे वो बाइबल के वचन के विरोध में ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आसान होता है उसके जीवन में। एक भाई साहब तो एक बार आकर गवाही देने लगे, बोले मैं प्रार्थना करने के लिए गया था और बोले एक लड़की के अंदर दुष्टात्मा प्रकट हो गई, वो तो ये विचार में थी और दुष्टात्मा बोलने लगा था, इसके पास ये विचार मैं करवाता हूँ। बोले बात सही है क्या, ये विचार दुष्टात्मा करो? हाँ ये विचार दुष्टात्मा करवाता है। बोले लोग समझते नहीं है, ये विचार दुष्टात्मा का काम है, ये लोग समझते नहीं। जब खुद भी ये विचार में आए तो फिर मूसा को याद करने लगे, मूसा ने भी तो दूसरी शादी की थी, फिर दाऊद को भी याद करने लगे, फिर दूसरे को भी, अब वो आत्मा कहाँ गायब हो गई? अब वो आत्मा खुद के अंदर नहीं दिखाई देती ये विचार की आत्मा, लेकिन दूसरों के अंदर इंसान को तुरंत नजर आता है, लेकिन खुद के अंदर जो नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता। ये भीड़ वाले बहुत डेंजरस, ये किसी को समय से पहले खत्म कर सकते हो, ये एक जहर है, भयानक सा जहर, सांप का जहर इसके सामने कुछ भी नहीं, ऐसे जहरीले लोग हैं ये। और भीड़ वाले लोग बहुत ही डेंजरस। एक भाई उस सभी की बातें करेंगे, वो इतने साल से क्या चाल चला उसका, ये इतने साल से क्या चाल चला उसका, वो ऐसा, वो इसको ये नहीं पता चलता, वो नहीं पता चलता, बाइबल की बड़ी बड़ी बातें, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना है, वैसा जीवन जीना है,
किसी को भी बोल देगा, किसी की भी परवाह नहीं। उसके माता पिता उससे इतने परेशान है, इतने परेशान है। उसके माता पिता क्या बोलते हैं मालूम है? ये मर जाए तो अच्छा है, इतने परेशान उससे। और अगर उसको बताओ कि तेरे माता पिता परेशान, नहीं माता पिता बाद में, पहले परमेश्वर। अरे क्या माता पिता बाद में, पहले परमेश्वर। तेरी माँ को तेरी जरूरत है, तेरे बाप को तेरी जरूरत है। पहले कुरंथी में तो लिखा है तेरहवें अध्याय में कि तू अपने इस शरीर का बलिदान भी दे दे, लेकिन तेरे अंदर प्रेम ना हो तो कुछ भी नहीं। अभी इसके अंदर प्रेम ही नहीं है माता पिता के प्रति। और बस मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, दूसरों का तुरंत दिखाई देता है, खुद की बात नहीं नजर आती, खुद का उसको नहीं दिखाई देता। एक भाई साहब भी काफ़ी पुराने, हर बार एक ही बात, मैं अभी सीख रहा हूँ। अरे आपने पहली क्लास में लड़के को रखा, 10 साल तक वो सीखता ही रहे तो फिर उसका बाप क्या बोलेगा? सीख भी कब लेगा, परीक्षा कब देगा, पास कब होगा, आगे कब निकलेगा, ये नहीं दिखाई देता। बरसों से एक ही बात कि बस मैं सीख रहा हूँ। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय, उसका 8वां पद। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की और खास करके अपने परिवार की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है ऐसा नहीं लिखा बुरी बन गई है, ऐसा लिखा है बुरा बन गया है। परिवार की जिम्मेदारी पत्नी की नहीं है, आज का जमाना उल्टा सिखा रहा है। हाँ, पत्नी अगर काम करती है तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते उसको काम नहीं करना चाहिए, मना ही नहीं है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी पति की है। और परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि जो इंसान अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता, चिंता करने की बात नहीं, चिंता कर ऐसे ही बैठे रहो, ऐसा कुछ गुजारा नहीं होने वाला। परमेश्वर ये कहना चाहे जो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकता वो इंसान वो ऐसा है अविश्वासी से भी बुरा। जिसने कभी विश्वास ही नहीं किया उसका जीवन कैसा हो, उसका ऐसा जीवन है। ये तो बरसों से मैं अभी सीख रहा हूँ, बस साइलेंट, मैं सीख रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी बोलना नहीं चाहता। अरे मैं तो बोलता हूँ बाहर जाओ, जूते पॉलिश करो, कार धोकर गुजारा करो, बोरिया उठाओ, लेकिन मर्द की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से पत्नी और बच्चों का गुजारा करे। ये परमेश्वर ने जिम्मेदारी पति पर रखी है। और जो पति ये नहीं कर सकता वो अविश्वासी से भी बुरा है, वो कभी भी गलती से भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला, लगा दो चेक्स, नहीं जाएगा वो। परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोलते, लेकिन ऐसे लोगों को भी दूसरे की बात दिखाई देगी। मैं तो बात करता हूँ तो अभी से मुझे पता चल जाता है वो कौन सी बात करने के लिए जा रहा है। अरे तेरा तो चाल चलन तो उसे नहीं दिखाई देता, तू क्या करता है, तुझे लोगों की बात दिखाई देती, खुद की बात नहीं दिखाई देती क्या? इंसान को खुद की बात नहीं दिखाई देती। ये भीड़ वाले अपने आप को शास्त्री और फरीसी, हम चर्च के अगुए, हम ये हम वो, लेकिन प्रभु यीशु सब जानते थे। प्रभु यीशु इन सभी लोगों को पूर्ण रीति से
प्रभु से जो है जानते थे। जब इंसान को पता ही है कि मेरे अंदर पाप है, तब होशियारी मारने की कहाँ जरूरत है। ये तो सभी पत्थर ले लेकर प्रभु के पास आकर होशियारी मारते, ऐसा बोला ऐसा बोला है। सभी नंगे हो गए ना प्रभु के पास, पत्थर फेंक कर भागना पड़ा ना। स्त्री को भी तो पता चल गया ना कि तू अगर पकड़ी गए तो ये लोग पकड़े नहीं गए, वरना ये भी तेरे जैसे ही थे, पता तो चले गया। मेरे परमेश्वर सब जानते हैं। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे खुद के अंदर पाप है, आज से दूसरों को देखना बंद करो, खुद को देखो और अपने आप को बचाओ, अपने आप का चाल चलन बदलो, वरना ये भीड़ की जो हालत हो गई ना वही एक दिन तुम्हारे भी हो जाएगी। इससे अच्छा है खुद को देखो और अपने आप को बदल दो। आओ हम हमारी आंखें बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, तीन तरह के लोग, एक प्रभु यीशु, एक पाप स्त्री क्योंकि पकड़ी गई थी, और तीसरे लोग वो जो पकड़े नहीं गए थे वरना पापी तो वो भी थे। आज अपना चाल चलन देखो और खुद के बारे में मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि तीन में से कौन सी जगह पर आप आते हो। अगर हिम्मत है तो अपने आप को बचा लो, सही चाल चलन चलो और प्रभु के पीछे जब भी आओ पत्थर लेकर किसी को मारने की इरादे से मत आओ, बचने की इरादे से आओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।